सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जिस तुलबा तालिबात, आज हम जमात दहम के चौथे सबक चिल्ड्रन ऑफ हेवन का दूसरा हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आज शुरुआत करते हैं। हे सगळे चालले असताना अलीच्या शाळेत धावण्याच्या आंतरशालेय स्पर्धेची एक नोटीस लागते। ये तमाम चीज़ें होती रहती है। अचानक अली के स्कूल में भागने की एक बैनुल मदारिस अंतरशालेय यानी बैनुल मदारिस एक मुकाबला होता है, उसकी नोटिस लगती है। शुरुआतीला अलीचे त्या सूचना फलकाकडे लक्ष जात नाही। शुरू में अली के उस नोटिस बोर्ड की तरफ तवज्जो नहीं जाती है। जाहिरेचे बूट हरवल्यापासून ज्या अडचणींना अलीला तोंड द्यावे लागते त्याने त्याची व्याग्रता इतकी वाढली। जाहिरा का जूता गुम हो जाने की वजह से जिन मुश्किलात का सामना अली को करना पड़ता है उसकी वजह से उसकी परेशानी और बढ़ गई है। त्यांना त्याची व्याग्रता इतकी वाढली की धावण्याची स्पर्धा तर सोडास त्याचे अभ्यासात ही लक्ष नसते। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि भागने का जो मुकाबला है, धावने यानी भागना, स्पर्धा यानी मुकाबला छोड़िए अभ्यास यानी जो उसकी स्टडी है उसमें भी उसका दिल नहीं लगता। अचानक स्पर्धेतील तिसऱ्या नंबरच्या विजेत्याला बुटाची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार असल्याचे अली वाचतो आणि अक्षरशः अंतर्बाहेर थरारून जातो। अचानक मुकाबले में तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चे को जूते की जोड़ी इनाम में मिलने वाली है, इस पर उसकी तवज्जो जाती है और वो अंदर से कांप उठता है। कसे ही करून शर्यतीत भाग घेऊन तीसरा नंबर मिळवायचा व जाहिराला बुटाची जोडून मिळून द्यायचा असा तो निश्चय करतो। कैसा भी करके इस शर्त में, इस मुकाबले में उसे तीसरा नंबर हासिल करना है और जूते की जोड़ी जीत कर उसे जाहिरा को देना है। पुटाची जोड़ी बक्षीस म्हणून मिळणार हे वाचल्यावर अलीच्या मनात विचार येतो तो जाहिराचा। जूते की जोड़ी इनाम में मिलने वाली है ये सोचकर अली को जहीरा का ख्याल आता है। स्वतःचा विचार एक क्षण ही त्याच्या मनात येत नाही। खुद का ख्याल, स्वतः यानी खुद, विचार यानी ख्याल, एक क्षण ही, एक लम्हा भी उसे नहीं आता। शर्यतीचा दिवस उजळतो, मुकाबले का दिन आता है। शाळा शाळातून मैदानावर धावण्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांची झुंबड उडते। अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग मदरसों से इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों की झुंड के झुंड वहाँ पर आ जाता है। कितीतरी मुले श्रीमंत घरातली असतात, बहुत सारे बच्चे किस अमीर घरों के होते हैं, श्रीमंत यानी अमीर, त्यांच्या पालकांनी मुलासाठी नवीन बूट, शर्ट, ग्लुकोज पावडर अशी गोष्टी आणलेले असतात। उन बच्चों के वालदेन ने बच्चों के लिए नए जूते, शर्ट, ग्लुकोज का पावडर वहाँ पर लेकर आए हैं। मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतः आलेले असतात। और खास बात, मुख्य यानी खास बात उन बच्चों को कि प्रोत्साहन यानी हौसला अफजाई करने के लिए वो खुद वहाँ पर आ जाते हैं। अली पाशी मात्र येथील काहीच नसते, लेकिन अली के पास इसमें का कोई चीज़ नहीं होती। त्याचे आई वडील शरीयत पाहायला येऊ शकलेले नसतात, उसके वालदेन शरीयत देखने के लिए आए नहीं होते हैं। खरतर अली ने शर्यतीत भाग घेतल्याचे हे सुद्धा त्यांना माहीत नसते। सही बात यह है कि इस मुकाबले में अली ने हिस्सा लिया इसकी भी उन्हें पता मालूमात नहीं होती। शर्यत शुरू होते यानी मुकाबला शुरू होता है। मैदानावर मुले धावायला लागतात, मैदान पर बच्चे दौड़ने लगते हैं, प्रचंड कोलाहल शुरू हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुड़दंग शुरू हो जाता है। हळूहळू शर्यतीचा जोर सर्वांच्या अंगात भिनायला लागतो। आहिस्ता आहिस्ता मुकाबले का जोर लोगों के जहन में छाने लगता है। 5-7 मुले शर्यतीत अग्रेसर राहतात, 5-7 बच्चे इस शर्त में आगे रहती है। त्यात एक नंबर अलीचा असतो, उसमें एक नंबर अली का होता है। सुरुवाती पासून अली ने शर्यतीत ले आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे। शुरू से ही अली ने इस मुकाबले में अपना पहला मकाम टिका कर रखा है। गेल्या महिन्याभरातील
महिनाभरातील सत्य शाळेत धाव घेण्याची सवय अलीला यावेळी खूप उपयोगी पडते आहे। पूरे महिनाभर से जो वो भागने का जो उनका रोज़ का मामूल था वो आज बहुत ज़्यादा मुफीद कारामद साबित हो रहा है, उपयोगी यानी मुफीद कारामद। पन अली सार का पहला ये तो, लेकिन अली हमेशा पहला आता है। आपले तीन नंबर चे स्थान टिकावे धरण्यासाठी त्याला धडपडावे लागते, अपना तीसरा मकाम आना चाहिए इसलिए वो धड़पड़ करने लगता है। म्हणजे पहला दूसरा नंबर येण्याइतके पुढे जायचे नाही आणि पाचवा सहावा येण्याइतके पाठी राहायचे नाही अशी दुहेरी कसरत करत अली धावतोय। अब उसे न तो पहला दूसरा आना है और ना ही पांचवा छठा आना है, इस तरीके से उसे दोनों तरफ से कसरत करनी पड़ती है। शेफ्टी एकदाची शरीयत समते आखिरकार वो शर्त ख़त्म होती है, मुकाबला ख़त्म होता है। एकद जल्लोश हो तो सब तरफ खुशी का माहौल है। अली तर इतका दमतो कि त्याला जवरपास भोवड़त ये तो, अली इतना ज़्यादा थक जाता है, दम तो यानी थक जाना कि उसे गुनूदगी आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया भोवड़च, यानी गुनूदगी आ जाना, बेहोश होने जैसा हो जाना। थोड़ा सा भावनावर आल्यावर सगळ्यात आधी आली मोठ्या आशेने शिक्षकाला विचारतो, सर मी तीसरा आलो ना, सबसे ज़्यादा थोड़ा समझ आने पर अली अपने उस्ताद को पूछता है कि उस्ताद क्या मैं तीसरा आया हूँ? शिक्षकानी त्याला या प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही, उस्ताद को उसके सवाल का मतलब ही नहीं समझ में आता है, तो उलट मोठ्या कौतुकाने अलीला तू तीसरा नसून पहिला आल्याचे सांगतात। तो वो बहुत ही दिलचस्पी से और तारीफ से कहते हैं कि अली तू तीसरा नहीं पहला आया है। शिक्षकांचे ते शब्द अलीच्या कानावर पडतात, उस्ताद के ये अल्फाज अली के कान पर पड़ते हैं, तो कमालीचा निराश होतो, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। त्याचा हृदयात आकांग माजतो, उसके दिल में तूफान पैठ जाता है। हृदय यानी दिल, आपण तीसरे आलो नाही याचा अर्थ आपल्याला बुटाची जोड़ी बक्षीस म्हणून मिळणार नाही, यानी मैं तीसरा नहीं आया हूँ इसलिए मुझे जूते की जोड़ी बतौर इनाम नहीं मिलने वाली है। हे त्याचा लक्षात येते, ये उसके जहन में आता है। जाहिर अल्लाह तर त्याने बूट घेऊन येतोच असे जोरदार आश्वासन दिलेले असते जहिरा को उसने कि मैं जूता लेकर आता हूँ इस किस्म का आश्वासन दिया था, इस किस्म की का उसे वादा किया था। आपण कोणत्या तोंडाने बहिणीसमोर जावे हे कोडे अलीला उलगडत नाही, मैं किस मुँह से बहन के सामने जाऊँगा ये मुअम्मा उससे हल नहीं होता। कोड़े यानी मुअम्मा, तोंड यानी मुँह चेहरा। उरलेल्या समारंभात अलीच्या चेहऱ्यावर हास्याचे किंचितही रेखा दिसत नाही, और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रोग्राम में अली के चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं दिखती। शेवटी निरुपाय होन अलीला घरे जावे लागते, आखिरकार उसे कोई उपाय नहीं होने के बाद अली को घर जाना होता है। दारातून आज शिरता समोर आला जाहिरा दिसते, दरवाजे में से घर में दाखिल होते ही उसे सामने जाहिरा नज़र आती है, उत्कंठे ने त्याची वाट बगनारी, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से उसकी इंतज़ार करने वाली वाट यानी इंतज़ार करना। रिकाम्या हाताने समोर उभ्या राहिलेल्या भावाला बघता जाहिरा काय समजायचे ते समजते, और खाली हाथ आकर खड़े हुए भाई को क्या से क्या समझना है ये जाहिरा को समझ में आ जाता है। खरे म्हणजे हा चित्रपट इथे संपतो, दरअसल ये जो फिल्म है यही खत्म हो जाता है, मात्र त्या मध्येच केवळ काही सेकंदाने टिकणारे एक दृश्य दाखवले गेले। लेकिन इसी दरमियान कुछ सेकंड चलने वाला एक वहाँ पर मंजर दिखाया गया है। चित्रपटाच्या अगदी शेवटी अलीचे वडील सायकल हातात धरून घरी येताना दाखवले आहेत। इस फिल्म के आखिर में अली के वालिद सायकल लेकर घर आते हुए दिखाए गए हैं। त्यांच्या सायकलच्या मागच्या बाजूला स्टँड लावलेली बुटांची दोन खोकी प्रेक्षकांना दिसतात, उनके सायकल के पीछे स्टँड को दो जूतों की जोड़ियां लगाई हुई
शायखीन को दिखती है। प्रेक्षक यानी शायखीन किंचित उघड्या असलेल्या त्या खोक्यातून डोकावणारा बूट एक जोड अलीचा तर दुसरा जाहिराचा आहे याची साक्ष पाठवतात व प्रेक्षक सुटकेचा निश्वास टाकतात। टूटे हुए डब्बों से ये बात समझ में आती है कि उन डब्बों में मौजूद खोखे में मौजूद दो जूते की जोड़ी है, एक अली की और एक ज़हीरा की, और इससे तमाम शायकीन को एक किस्म की आरामी महसूस होती है। शब्दार्थ तुट पुंजा अल्प कमी आघाड़ी संवारने जवाबदारी संवारने यानी जिम्मेदारी संभालना पथ्य यानी नियम खोबने लाकड़ा मदील खाच यक्ष प्रश्न कठिन प्रश्न बहुत मुश्किल सवाल जीव तोड़ून पढ़ने सर्वशक्तिनिशी पढ़ने यानी बहुत पूरी कुवत लगाकर दौड़ना झुंबड़ उड़ने यानी बहुत गर्दी होना कोलाहल मोटा आवाज़ गड़बड़ गोंधड़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ गोंधड़ होना आवाज़ होना अग्रेसर सर्वात पड़े सबसे आगे रहना आकत माजने खुद खूब दुख होने बहुत ज़्यादा दुख होना बहुत ज़्यादा परेशानी होना। यहाँ पर हमारा ये दूसरा सबक ख़त्म होता है। अजीज़ तुलबा व तालिबात अगले वीडियो में हम इसी कृति के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।